हमारे देश में महाभारत की कथा को लेकर विभिन्न भाषाओं में समय समय पर कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि लिखे जाते रहे हैं। कहानी एक ही होती है, प्रसंग भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हर लेखक अपना नजरिया डालकर उसे खास बना देता है। भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार शिवाजी सावंत ने भी एक रचना की, मृत्युंजय, जिसे लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। एक बात और, महाभारत की कथा को लेकर तो बहुत सारे प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन महाभारत कालीन जीवन शैली कैसी थी, उस काल में उद्योग और व्यापार कैसे हुआ करता था, स्थापत्य कैसा था, खान पान वेशभूषा कैसी थी, इस सब के बारे में रिसर्च की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम लोगों की कोशिश है कि साहित्य से, चित्रों से, पुराने भवनों और मकानों से महाभारत कालीन जीवन शैली को खोज कर लाएं और मृत्युंजय के जरिए पेश करें। यूं तो मृत्युंजय की कथा पौराणिक है, जिसमें राजा रानी हैं, तीर तलवार हैं, रथ और महल हैं, लेकिन एक सभ्यता, संस्कृति और इतिहास भी है, जिसे देखना और समझना अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सा लगता है। महाभारत में जो राजनीति बिखरी हुई है, उससे हम अपने युग की राजनीति को समझ सकते हैं। उस युग के श्राप, वरदान, ज्ञान और विज्ञान से हम अपने युग के ज्ञान, विज्ञान, श्राप और वरदान को समझ सकते हैं। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि मृत्युंजय को हम इतने दिलचस्प ढंग से आपके सामने पेश कर सकें ताकि आप उसे सिर्फ देख कर न रह जाएं, बल्कि उसके साथ बातें करें, उसके साथ सोच विचार कर सकें। और नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे आपसे भी कुछ कहना है, आप लोग सोच विचार न करें, आप लोग तो सिर्फ देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। तो आइए, मृत्युंजय आपका इंतजार कर रहा है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप चौंक गए होंगे कि जो काल के मुख में जा चुके हैं वो कैसे बोलने लगे, लेकिन जब जीवित मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं तब मृतकों को जीवित होकर बोलना पड़ता है। कहानियां सदैव ही बड़ी रुचि से सुनने वाला और दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता से कथा भूल जाने वाला यह पागल संसार मेरी कथा को महत्व देगा? मेरी कथा में हास्य नहीं है, विनोद भी नहीं, नहीं नर्तकियों के नृत्य और स्त्री पुरुष के आवेगपूर्ण आलिंगन, और नहीं मन को बहलाने वाले झूठे प्रसंग। मेरी कथा में तो है समर, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों का समर। सोचता हूं
सोचता हूं कहां से प्रारंभ करूं अपनी कथा, तो पहले अपना परिचय दे दो। मैं कर्ण, गंगा माता के तट पर बसी चंपा नगरी का मैं निवासी। मेरी माता राधा, पिता अधीरथ और छोटा भाई शोण, मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के सारथी थे। संजय, तुम निष्पक्ष रहना, राजमिसी का पक्षपात मत करना। पक्ष तो मैं आपका भी नहीं लूंगा महाराज। महाराज, आज आप जीत नहीं सकेंगे। देखो संजय। संजय, क्या राजमिसी विजयी हुई? विजयी नहीं महाराज। महाराज को आज पराजय का भय क्यों सता रहा है? जुए और राजनीति में यही समानता है देवी। खेलने वाला केवल अपने लिए खेलता है और केवल जीत के लिए खेलता है, क्यों संजय? जुए का तो मुझे ज्ञात नहीं महाराज, लेकिन प्रजा का भविष्य कोई पासा तो नहीं जिसे दांव पर लगाया जा सके। प्रणाम महाराज। प्रणाम माता। आओ अधीरथ, विदुर बता रहा था तुम चंपा नगरी जा रहे हो। जी महाराज, उसी के लिए अनुमति लेने को उपस्थित हुआ था। जाओ, परंतु शीघ्र लौट आना। संजय अब अश्वों में कम और दर्शन में अधिक रुचि लेने लगा है, इसीलिए शीघ्र लौटना। जो आज्ञा महाराज। अधीरथ। माता, तुम्हारा वो कवच कुंडलधारी पुत्र बड़ा हो गया होगा। जी माता। क्या अब भी उसके कुंडल चमकते हैं? जी माता, जिन लोगों ने उसे देखा है उनका यही कहना है। एक बार मैं भी देखना चाहूंगी। जाइए तत्। माता, संजय। जी महाराज। क्या सचमुच किसी के कवच और कुंडल हो सकते हैं? महाराज, कई बार शब्दों के अर्थ उनके सामान्य प्रचलित अर्थों से भिन्न भी होते हैं। फिर दर्शन पर उतर आए संजय। तुमने सूतकुल में जन्म लिया है, जाकर अश्व में मन लगाओ। पूर्णिमे कुंती, आई राजमहिषी। कुंती, तेरा ज्येष्ठ पुत्र। मेरा ज्येष्ठ पुत्र? तेरा ज्येष्ठ पुत्र बहुत तंग करता है मुझे। मेरा ज्येष्ठ पुत्र बहुत बहुत पीड़ा देता है मुझे भी। वैसे जिसे आप ज्येष्ठ समझती हैं राजमहिषी, वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो कुंती? हाँ, योग्यता ही किसी मनुष्य को ज्येष्ठ या श्रेष्ठ बनाती है। मेरे लिए मेरे सभी पुत्र समान है राजमहिषी, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूं कि युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहकर मत पुकारिए, मुझे वेदना होती है। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा तुम अतीत का कोई रहस्य कहने जा रही हो। काश मनुष्य अपने अतीत से न डरता। तुम संजय बन रही हो, परिवार में एक विदुर क्या कम था कि फिर संजय और अब तुम। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मैं आपको संजय और विदुर दिखाई देने लगी? अभी थोड़ी देर पहले महाराज ने संजय से पूछा, क्या किसी मनुष्य के वास्तव में कवच और कुंडल हो सकते हैं? तो बड़े दार्शनिक सा उत्तर मिला, शब्दों के अर्थ भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा क्यों नहीं दे सकता, हाँ या ना? कुंती, तुम्हें क्या लगता है?
कवच और कुंडल। सुना है अधीरथ के पुत्र के कानों में जन्मजात कुंडल और वक्ष पर कवच है। कुंती, कैसा हो सकता है? इसका उत्तर तो आपको सूर्यदेव और गंगा माता ही दे सकते हैं महिषी। मेरे कवच और कुंडल सभी के लिए चर्चा का विषय थे और मेरे लिए वे कभी न समाप्त होने वाले प्रश्न। मैं कई बार अपलक शोण के कानों को देखता। उसके कानों में मेरी तरह मांसल कुंडल नहीं थे, माता के कानों में भी नहीं। मैंने कई बार मेरी मां, मेरी राधा माता से भी पूछने का प्रयास किया कि मेरे ही कानों में कुंडल क्यों है। वसु ये सारा काम करे और तू दिन भर बछड़े की तरह उछलता रहेगा। मैं अभी बहुत छोटा हूँ माँ, मुझसे पानी भरा घड़ा नहीं उठता। रोज रोज कान खींचता ना तो सीधा हो जाएगा। कौन, कान या मैं? जा वो पानी भरा घड़ा उठा ला और इस बार छलकाया ना तो देखना। अग्नि तो मैंने प्रज्वलित कर दी है माँ, अब और कोई काम नहीं। अब तू विश्राम कर और देख शोण की मदद करने न लग जाना। माँ एक बात पूछूं? पूछ। शोण मेरा सगा भाई है ना? सगा नहीं है तो सौतेला है क्या? कैसे कैसे प्रश्न करता है वसु तू। अब जो पूछना है जल्दी पूछ, मुझे बहुत काम है। शोण के कानों में कुंडल क्यों नहीं है? क्या शोण के कानों में मेरी तरह कुंडल क्यों नहीं है? अब ये भी कोई प्रश्न है? नहीं है तो नहीं है। किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। किसी के कानों में नहीं देखा इसीलिए पूछता हूं, मेरे ही क्यों? अब मुझे नहीं पता, अपने दांत से पूछ। मुझे डर लग रहा है, जैसे जैसे वसु बड़ा होता जा रहा है अपने बारे में बहुत प्रश्न करने लगा है। मुझे लगता है उसे उसके जन्म के बारे में जो रहस्य है वो बता देना चाहिए। ऐसी भूल कभी मत करना राधा। लेकिन वो बहुत अशांत दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम उसे भुला सको? और उत्तरोत्तर मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। मैं घंटों गंगा माता के तट पर जाकर बैठता, माँ मुझे बार बार रोकती। न जाने माँ को गंगा माता से क्या भय था, पर फिर भी मैं सबकी दृष्टि बचाकर गंगा के तट पर जाता। गंगा में प्रवेश करता तो लगता कि मानो माँ की कोख में आ बैठा हूं। उसका स्पर्श इतना स्नेह ममता से पूर्ण। मैं गंगा माता की लहर लहर से पूछता कि मेरे ही कानों में कुंडल क्यों है, कौन हूं मैं, कौन? परंतु गंगा माता भी मेरे प्रश्न का उत्तर न देती। तब मैंने जाना कि यह संसार बड़ा निष्ठुर है, वरना गंगा माता चुप क्यों रहती? पर मेरी राधा माता सबसे निराली थी। एक दिन मैं शोण और शोण के कई साथी खेल रहे थे कि एक बिदका सांड मुझको झपटा। शोण के सारे साथी भय से भाग खड़े हुए। कुछ समझ में आया उससे पहले ही मैंने शोण पीछे धकेला और इस सांड के सींगों को पकड़ लिया। शोण ने भैया कहकर जो चीत्कार किया मुझे अस्पष्ट सा सुनाई दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे अच्छी तरह याद नहीं। जिस समय मेरी आंख खुली मेरा सिर मां की गोद में था। जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल शाम को सुना। शोण ने बताया कि उस सांड ने मुझे परास्त करने के अनेक प्रयत्न किए पर मेरे आगे उसकी एक न चली। न जाने मुझ में कहां से इतनी शक्ति आ गई थी और आश्चर्य कि मेरे शरीर पर खरोच तक नहीं आई। क्यों मेरा शरीर वज्र की भांति कठोर हो गया था। सभी को चोट लगती, सभी के देह से रक्त बहता है, तो मेरी देह से भी बहना चाहिए। ले, पी ले।
इसमें क्या है माँ? औषधि है। वो किस लिए? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थोड़ा थक गया था इसीलिए लेट गया। तुझे ज्वर है, बदन कितना गर्म था जब मैंने तेरा सिर गोद में लिया था। कहाँ? छुपा देखो। ज्वर कदाचित उतर गया है, फिर भी औषधि लाई हूँ, पी ले। औषधि की क्या आवश्यकता है? कहा ना, पी ले, औषधि के लिए मना नहीं करते। तुम भी माँ। तुझे सांड ने इतनी बार गिराया पटका, फिर भी तुझे खरोंच तक नहीं आई, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, पर ये सच है कि खरोंच तक नहीं आई। शरीर है कि लोहा। रुक, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। मैं कोई दूध मुआ बच्चा हूँ? अरे बेकार की बहस मत कर, लेटा रहे। पर ये शोण कहाँ गया है? शोण, शपथ है जो इसका पाँव घर में टिके। शोण, विक्षिप्त की तरह वक्ष में पेट में तीर घुसाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे शरीर के भीतर वो तिल भर भी ना घुस सका। क्यों नहीं घुस सका मैं? क्या मेरे शरीर की त्वचा अभेद्य है? क्या मेरे शरीर पर अभेद्य कवच है? मुझको कवच मिला है, मेरे कानों में कुंडल है। शोण मेरा सगा भाई है, पर उसके पास न कवच है न कुंडल। कौन हूं मैं कौन हूं? क्या मैं राधा माता का पुत्र नहीं हूं? क्या अधीरथ मेरे पिता नहीं है? क्या शोण मेरा भाई नहीं है? क्या मेरी मां मेरे पिता व बंधु के संबंधों पर अविश्वास करना उनकी करुणा व ममता का अपमान नहीं है? इसलिए बार 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 मेरा मन विद्रोह कर उठता और कठोर शब्दों में मुझे चेतावनी देता कि ध्यान रख, तू अधीरथ व राधा माता का पुत्र है, सुपुत्र कर्ण है, शोण का बड़ा भाई कर्ण है, सारथियों के कुल का एक सारथी। और एक दिन पिता ने मुझे हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार होने को कहा। माँ, शोण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। होगा यहीं कहीं, समय पर उपस्थित हो तो शोण कैसा। अच्छा माँ, तो अब मुझे आज्ञा दो। वसु, कब लौटेगा रे? जब तात अनुमति दें। हस्तिनापुर बड़ा नगर है, संभल कर रहना। अच्छा माँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ माँ। वासु, मुझे याद करेगा? हर्षण, तुम्हें और शुन दोनों को। जब जब मेरी याद आए इस छोटी सी मंजूषा को देख लिया करना, समझना कि मैं हूं। इसमें क्या है माँ?
जो भी है अपने पास जतन से रखना। वसु, विलंब हो रहा है, जल्दी करो। आया तात। अच्छा माँ, तो अब मैं जाऊं? से प्रार्थना करो कि तुम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लौटो। आओ। हाँ। मैं भी चलूंगा, आप लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और राधा माता, गंगा माता, मेरी प्राण प्रिय चंपा नगरी को छोड़ मैं पिता और शोण हस्तिनापुर की ओर चल दिए, जहां मेरा जीवन करवट लेने वाला था। हस्तिनापुर मेरे जीवन की समर भूमि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति बालकः, न चैनं क्लेदयन्त्या।